हेलो तो गाइस, कैसे हो यार। मैं तुमको बताने वाला हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में पांच फैक्ट्स जो तुमने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। सचिन तेंदुलकर की पहली वनडे सेंचुरी 79 मैच खेलने के बाद आई। 79 बोले तो 79, लेकिन हाँ इससे पहले वो 7 सेंचुरी टेस्ट में मार चुके थे, लेकिन जो वनडे की सेंचुरी पहली आई वो 79 मैच खेलने के बाद आई थी। तो यार दूसरा तथ्य इस प्रकार है कि सचिन तेंदुलकर जब बच्चे थे तो जब वो नेट में प्रैक्टिस करते थे, उनके कोच उनको प्रैक्टिस कराते थे और बच्चों के साथ, तो सचिन तेंदुलकर को एक सिक्का दिया जाता था अगर वो दिन भर समझ रहे हो ना, दिन भर आउट ना हो तो, और अगर कोई उनको आउट कर दे तो वो सिक्का उसको दे दिया जाता था। और दिन भर ना आउट होना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि कोच उनको एक सिक्का देते थे और 13 सिक्के उनके पास हैं, यानी कि वो 13 बार दिन भर में एक बार भी आउट नहीं हुए थे। तो यार तीसरा तथ्य इस प्रकार है कि सचिन तेंदुलकर ने 1988 में पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग की थी सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे। ये एक प्रैक्टिस मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो मुंबई में खेला जा रहा था। पहले तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रैक्टिस मैच भी हुआ करते थे यार, अब एक सीरीज नहीं होती। तो यार वीडियो को यहां तक देख लिया है तो यार लास्ट तक भी देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुमको एक और फैक्ट बताऊंगा जो कि सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है भी और नहीं भी है, मतलब ये एक तरीके से बोनस होगा। आज बताने वाला था, अभी 6 बताऊंगा और तुम सब्सक्राइब कर देना बस। ओके, तो चौथे तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो यार चौथा तथ्य इस प्रकार है कि सचिन तेंदुलकर को 1992 में थर्ड अंपायर द्वारा सबसे पहली बार आउट दिया था। मतलब थर्ड अंपायर जब नया आया था, सबसे पहली बार आया था, तो किसी ना किसी खिलाड़ी को आउट तो दिया होगा ना, तो वो सचिन तेंदुलकर ही थे। तो यार पांचवा तथ्य बताने से पहले, तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर देना प्लीज यार गाइस। तो यार पांचवा तथ्य इस प्रकार है कि अगर सचिन तेंदुलकर को तुम एक सिर्फ बैट्समैन के नजरिए से देखते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए थे 32 रन देके, और यही कारनामा उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था, जिसमें 50 रन देके 5 विकेट लिए थे। और सचिन तेंदुलकर ने वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट भी बहुत बार ले रखे हैं, बहुत बार नहीं 4 बार ले रखे, और 3 विकेट ना जाने कितनी बार ले रखा है, गिनने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और तुम लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पेपर में थोड़ी आ रहा है यार। तो बस यही थे सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ फैक्ट्स, और लास्ट वाला जो बोनस में बोला था मैंने वो इस प्रकार है कि शाहिद अफरीदी ने 1996 में शतक मारा था, सबसे फास्टेस्ट शतक, और उस शतक के पीछे का जो फैक्ट है वो सचिन तेंदुलकर से इस प्रकार जुड़ा है कि वो सचिन तेंदुलकर के बल्ले से आया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला वकार यूनिस को दिया था ताकि वो सियालकोट से सेम टू सेम दूसरा बल्ला बना के ले आए, लेकिन शाहिद अफरीदी ने वकार यूनिस से कहा और वकार यूनिस ने शाहिद अफरीदी को बल्ला दे दिया, जिसके बाद शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एक मैच में उस बल्ले से खेला और सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई उस टाइम की 37 बॉलों में। तो यार बस यही थी वीडियो, अगर तुमको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बस यार शेयर वेयर कर सको तो कर देना प्लीज यार।